मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन करी की एक आसान सी रेसिपी। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो मटन लिया है, जिसे मैंने धुलकर साफ कर लिए है। अब एक कुकर लें, इसमें हम मटन को डालेंगे, साथ ही में डालें स्लाइस में कटी हुई 1 छोटी प्याज, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे 3 सीटी आने तक पकाएं। जब तक हमारा मटन पक रहा है, हम इसमें डाले जाने वाले मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 1 गांठ लहसुन की छील ली है, 2 इंच का अदरक के टुकड़े और 15 से 20 हरी मिर्च ली हैं। अब एक मिक्सी जार लें, इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। अब हम इसमें सूखे मसाले भी डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इन सब मसालों का हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारे मसालों का पेस्ट रेडी है। बघार के लिए मैंने लिए हैं 6 लौंग, 5 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च और 3 तेज़पत्ते, 4 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब एक कढ़ाई लें, इसमें 5 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। जब ये थोड़ा सा चटकने लगे तो इसमें प्याज डाल दें और अब इसे चला लें। प्याज को हमें चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे बीच बीच में बराबर चलाते रहें, वरना प्याज जल सकती है। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इसे और हमें पकाना है। अब इस स्टेज पे हम आंच धीमी कर लेंगे। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम मसालों का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डालें और फिर इसे एक बार चला लें। मिक्सी में जो मसाला लगा हुआ था, इसमें थोड़ा पानी डालकर निकाल लें और इसे भी डाल दें। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालें। नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब इन मसालों को हमें अच्छी तरह भूनना है। आंच धीमी कर लें और ढक्कन लगा दें। थोड़ी देर बाद खोलें और फिर से एक बार चला लें। फिर से ढककर पकने दें। थोड़ी देर बाद फिर से चला लें और अब इसकी आंच मीडियम कर लें और इसे हमें अब यूं ही बिना ढके और पकाना है। बीच बीच में इसे चलाते रहें। इन मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका तेल अलग ना हो जाए। देखिए, अब हमारा मसाला भून चुका है, तेल मसालों से अलग हो चुका है और मसालों का कलर भी चेंज हो गया है। तो हमारा मसाला अब तैयार है। मटन को मैंने 3 सीटी लगा लिए हैं। अब हम इसे खोलेंगे। अब हम तैयार मसालों को इस मटन में मिलाएं और मिक्स कर लें। अब इसमें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला है। अब इसे चला लें और 1/2 कप पानी मैंने डाला है, तो मैंने यहाँ 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह चेक कर लें। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी और लगा लें और इसका प्रेशर अपने आप निकलने दें। 2 सीटी लग चुकी है, तो अब इसका ढक्कन खोलते हैं। हमारी मटन करी तैयार है।
आखिर में ऊपर से आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर एक बार मिला लेंगे। मटन करी खाने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखा आपने, इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप भी इस तरीके से मटन करी ज़रूर बनाकर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंपल रेसिपी के लिए खान किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।